भारत एक ऐसा देश जहां आपको कपड़ों से पहचाना जाता है। ये वो देश हैं जहां अलग-अलग जाति, धर्म और वर्ग के लोग रहते हैं। ये वो देश हैं जहां हर राज्य की अपनी बोली, खानपान और वेशभूषा है। सड़क पर चलते वक्त अगर आपको कोई काले बुरखे में महिला नजर आए, तो आप समझ जाते हैं कि वो मुस्लिम है। अगर कोई पगड़ी में नजर आए, तो वो सरदार। नमस्कार, मैं यास्मीन, आप देख रहे हैं स्काई न्यूज़ ग्लोबल। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं पहनावे को लेकर इतनी चर्चा क्यों कर रही हूँ। दरअसल इसी पहनावे से जुड़ा बिहार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सबसे पहले देखिए ये वायरल वीडियो। किसी तरीके से आप शिक्षक जैसा लग रहे हैं, हमको तो लगा कि आप स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं। हाँ, शिक्षक है आप। अपने आप को इस वेशभूषा में अगर शिक्षक है तो मत रहिए। ये प्रिंसिपल आपके हेडमास्टर कैसा है जी? ये जो देखिए कि ये हेडमास्टर आपके हमारे सामने कुर्ता पजामा पहन करके आराम से नेता की तरह बैठे हुए हैं ना। हम इनके उस पर तत्परता देख रहे हैं कि बच्चे लोगों को पढ़ा रहे हैं। निर्भय कुमार सिंह नाम है, इनका नाम नोट कीजिए और इनको शोकॉज वहां से कीजिए कि इनको क्यों नहीं यहां से हटा दिया जाए। और इनका जो स्कूल में वेतन इनका बंद कर दीजिए, इनका वेतन बंद कर दीजिए तुरंत, वेतन बंद कर दीजिए इनका, एकदम वेतन तुरंत बंद कीजिए। और आपको पता चल जाएगा ऐसा नहीं है। आपको जरा सा आप एक चीज आप बता देते हैं, आप शिक्षक हैं तो शिक्षक की तरह रखिएगा। अपने आप को इस वेशभूषा में आप रखिएगा तो आप शिक्षक रखने के लायक नहीं। हम लोग आपको ये कह देंगे कि भाई इनको जनप्रतिनिधि ही बना दीजिए, आप जाकर के वोट मांगते रहिएगा लोग से, यहाँ शिक्षा करने का जरूरत नहीं है। इस तरीके से इतना ढीला ढाला करके आकर के बच्चे लोगों पर नेतागिरी के हिसाब से नहीं आकर के करेंगे जवाब। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, हेडमास्टर की कुर्ता पजामा पहनने से डीएम बेहद नाराज नजर आ रहे हैं। उनको ये पहनावा इतना बुरा लगा कि वह छात्रों के सामने ही हेडमास्टर को खरी खोटी सुनाने लगे। छात्रों और कैमरे के सामने ही डीएम हेडमास्टर पर चिल्लाने लगे। इतना ही नहीं, उन्होंने हेडमास्टर की सैलरी रोकने से लेकर सस्पेंड करने तक की धमकी दे डाली। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो खुद कुर्ता पहनते हैं, उनके राज में एक डीएम हेडमास्टर को कुर्ता पहनने के लिए डांट रहा है। दरअसल डीएम को प्रिंसिपल का ये पहनावा नेता टाइप लग रहा था। बिहार के लखीमसराय जिले के डीएम संजय कुमार सिंह कन्या प्राथमिक विद्यालय बालगुदर का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इसी दौरान स्कूल के प्रिंसिपल निर्भय कुमार सिंह के पहनावे को देख वे भड़क गए। वे इतने भड़के हुए थे कि उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी को फोन तक मिला दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए आईएएस और आईपीएस अधिकारियों ने ट्वीट तक किया। आईआरटीएस संजय कुमार ने मामले पर ट्वीट कर डीएम के व्यवहार की निंदा की है। उन्होंने लिखा, यह ऑफिसर जैसा व्यवहार नहीं है। एक लीडर कभी भी पब्लिकली अपने टीम मेंबर को नीचा नहीं दिखाता है। उनके साथ गरिमा और सम्मान के साथ पेश आना चाहिए। यह निंदनीय व्यवहार है। इस तरह का दुर्व्यवहार कई लोगों को अच्छा लगता है, इसलिए वो लोग अपने साथ लाइव कवरेज के लिए रिपोर्टर्स ले जाते हैं ताकि वो खुद को सख्त और समझदार दिखा सके। वहीं इस मामले पर आईपीएस अरुण बोधरा ने एजुकेटर ऑफ बिहार के वीडियो को शेयर करते हुए दो सवाल किए। आईपीएस अरुण ने ट्वीट में पूछा कि एक बच्चे के तौर पर आप अपने सामने शिक्षक का अपमान होते देख कैसा महसूस करेंगे। वहीं उनका दूसरा सवाल था कि सीनियर सरकारी ऑफिसरों के बीच टीवी के क्रू मेंबर्स के साथ ऑफिशियल निरीक्षण के लिए जाना ये कैसा ट्रेंड है। वीडियो को दिल्ली के बीजेपी के प्रवक्ता अजय सहरावत ने भी शेयर किया। उन्होंने लिखा, कौन है ये घमंडी और बदतमीज डीएम जिसे हिंदुस्तानी वेशभूषा से दिक्कत और नेताओं से भी दिक्कत है। वीडियो बनाकर इस तरह से टीचर को बेइज्जत करना क्या सही है। मामले के तूल पकड़ते ही डीएम संजय कुमार का एक और पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। इस वीडियो में वह स्कूल की एक महिला स्टाफ पर भड़कते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर डीएम के इस बर्ताव की लोग आलोचना कर रहे हैं और उस पर कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए स्काई न्यूज़ ग्लोबल।